सरकार में प्रवर्तन निदेशालय ने ममता के करीबी मंत्री रहे पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसा था। याद करिए कैसे पार्थ की करीबी अर्पिता के फ्लैट से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद दोनों ही लोग कैश से पल्ला झाड़ते हुए दिखे थे। महाराष्ट्र के जालना में कैश का अंबार देखा आपने। अब याद करिए कुछ दिन पहले ही जब पश्चिम बंगाल में अभिनेत्री अर्पिता बेलघोरिया वाले फ्लैट पर छापा मारा, फ्लैट बंद था, लिहाजा जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। फ्लैट के भीतर रखे नोटों के भंडार को देखकर छापा मारने वाली टीम हैरान थी। अर्पिता के घर के बेडरूम में नोट भरे थे, वार्डरूम में नोटों की गड्डियां पड़ी थी। शाम के 6 बजे के करीब नोटों के गिनने का काम शुरू हुआ। कैश क्वीन के घर से मिले नोट गिनते गिनते सुबह हो गई। इस बीच जांच एजेंसी ने करीब 20 बक्से मंगवा रखे थे। बक्सों को ले जाने के लिए ट्रक भी मंगवाए गए थे। गिनती खत्म हुई तो पता चला वो करीब 30 करोड़ के नोट थे। गिनती खत्म होने के बाद नोटों को स्टील के बक्सों में रखा गया। एक एक करके पूरे 20 बक्से भर गए। फिर बक्सों को ट्रक पर लोड किया गया और बैंक भिजवाया गया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लेम गेम का सिलसिला। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी कह रहे हैं उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वहीं अर्पिता मुखर्जी रो रो कर कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता उनके फ्लैट में करोड़ों का कैश कहां से आया। जालना में मिले 58 करोड़ और कोलकाता में कैश क्वीन के घर से मिले करीब 51 करोड़ कैश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद काले धन का खेल खत्म नहीं हो रहा, और कब तक काले धन के कोबेरों के घर से ऐसे ही पैसे निकलते रहेंगे। आज तक ब्यूरो।